नहीं सर, सरकारी बसें तो बंद हो गई सर, राज्य परिवहन तो बंद हो गया सर मध्य प्रदेश में। अच्छा, जैसे बाकी राज्यों में राज्य परिवहन चलता है? बाकी राज्यों में चल रहा है सर, यहाँ जब हरदन जी ढाल सिंह बिसेन जी मंत्री बने परिवहन मंत्री, तभी उसी समय इसका पतन हो गया सर यहाँ राज्य परिवहन का मध्य प्रदेश में, यहाँ कोई बसें नहीं है। हाँ, प्राइवेट में तो लगता है सर ज्यादा किराया, तो मन अपने मन का लेते हैं सर किराया, मनमानी लेते हैं। वैसे केसर भाई को टिकट मिलना था क्योंकि उनने पार्टी को जिंदा भी रखी है और यहाँ स्थानीय के इससे शुरू से वो 15 साल से तत्पर रही है कांग्रेस को संभालती और कांग्रेस को जिंदा भी रखी, लेकिन हमारे बोसी भाव बीजेपी से 4 दिन पहले आए, उनको टिकट दे दिया गया, तो हम तो बोसी भाव से नाराज हैं। हम इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जनमन की बात, ये इंडियन टीवी पर हम आपके साथ में लगातार शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कटंगी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 2023 के इस विधानसभा चुनाव के लिए क्या चल रहा है। तो कटंगी विधानसभा का ये क्षेत्र जिसे गजपुर कहा जाता है, हम गजपुर में इस वक्त हैं और ये बहुत ही नज़दीक है कटंगी के इस शहर से, और यहाँ से एक रोड जाती है और रोड के नज़दीक ये बना हुआ है यात्री प्रतीक्षालय। यात्री प्रतीक्षालय मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर बस या कोई भी जो साधन है परिवहन के, वो यहाँ पर रुकते होंगे। जानते हैं यहाँ पर ये प्रतीक्षालय जो बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ है? बस यहाँ से जाती है? हाँ, बसें चलती है सर यहाँ से, बसें चलती है, सरकारी बसें? नहीं सर, सरकारी बसें तो बंद हो गई सर, राज्य परिवहन तो बंद हो गया सर मध्य प्रदेश में। अच्छा, जैसे बाकी राज्यों में राज्य परिवहन चलता? बाकी राज्यों में चल रहा है सर, यहाँ जब हरदन जी ढाल सिंह बिसेन जी मंत्री बने परिवहन मंत्री, तभी उसी समय इसका पतन हो गया सर यहाँ राज्य परिवहन का। अच्छा, मध्य प्रदेश में यहाँ कोई बसें नहीं है सर, तब से राज्य परिवहन यहाँ से बंद है। मध्य प्रदेश चलती है सर, प्राइवेट बसें? हाँ सर, दिन में एक दो बसें सुबह और शाम, बस एक दो बसें चलती है। सरकारी बसों में जैसे कम किराया लगता है, जैसे ट्रेनों में कम किराया लगता है, तो बसों में तो बहुत ज्यादा सर, प्राइवेट बसों में तो बहुत ज्यादा किराया लगता है? हाँ, प्राइवेट में तो लगता है सर ज्यादा किराया, तो मन अपने मन का लेते हैं सर किराया, मनमानी। हाँ, मनमानी लेते हैं। अच्छा, लगेज रहेगा उसका अलग लेंगे, वो भी ज्यादा में लेंगे, और सीटें भी जो है? हाँ, सीटें भी सर बिल्कुल कंजेस्टेड मिलती है सर, मनमानी सवारी लेंगे वो। और राज्य परिवहन में क्या रहता है सर, सरकारी बसों में एक लिमिट की सीट रहती है सर, शासन एवरेज ज्यादा नहीं बैठाती सर। तो आप लोग डिमांड नहीं करते, मांगते नहीं? डिमांड करेंगे सर, गांव देहात वाला गरीब डिमांड नहीं कर सकता ना सर, यहाँ बड़े बड़े नेताओं की चलती है, हम जैसे लोग डिमांड भी करें तो सर अपनी मांग पूरी नहीं होगी, मांग पूरी नहीं होगी? नहीं सर। तो क्या कैसे फिर आना जाना होता है यहाँ से? आना प्राइवेट बस, प्राइवेट बसों से होता है सर, मजबूरी है, प्राइवेट बसों से चलते हैं फिर, या तो अपने टू व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं। बाकी गाड़ियों, मतलब यहाँ सबके पास गाड़ियाँ होंगी? नहीं, सभी के पास तो नहीं है सर, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, सभी परिपूर्ण नहीं है, 50,000 की गाड़ी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बाकी साधन है रोजगार के, और क्या क्या किस तरह से आय का जरिया? यहाँ रोजगार के सर आय के साधन में सिर्फ एक ही है सर, पंचायत मनरेगा कार्य चलते हैं सर यहाँ पे, इसमें हाँ सर, इसमें भी कुछ विभाग के लोग जो क्या है हेराफेरी कर रहे हैं, फर्जी बिल निकाल रहे हैं। अच्छा, इसके पूर्व भी जो पंचायत शासन काल चला सर, उसमें भी हम लोग गमन निकाले पंचायत का। अच्छा, हाँ सर, उस पंचायत के गमन में सीध हुआ सर, सरपंच सचिव पे गमन। हाँ, हाँ। जिला पंचायत कोर्ट से। अच्छा, सीध हुआ सर, उन्हें भरपाई किया जी सर। तो ये मतलब जो मनरेगा चलता है उसमें गबन चल रहा है? हाँ, उसमें गबन चल रहा है ना सर, अब हम लोग और एक दिन अभी पोर्टल खोल के देखा सर, हम लोग की टीम है या 2-3 मित्र लोग हैं, हम लोग पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल से ही हम लोग थोड़े इनके पीछे भिड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि इनके कहाँ कहाँ त्रुटियाँ मिलती है। मतलब आप जागरूक नागरिक है, ये अच्छी बात है दर्शकों की, जागरूक नागरिक अगर है तो वो जो पंचायत के कार्यों पर जो है निगाह भी रखते हैं। हाँ सर, फर्जी बिल लगा करके राशि का आहरण करते हैं सर ये लोग। हाँ, ये भी चल रहा है सर, जिसके प्रमाण हमारे पास में मिल सकते हैं। हम लोग जब पंचायत पोर्टल खोले सर, तो हमको सातों साथ एक वो स्टाफ डे रपटा जो बना है जरामोगा और गजपुर के बीच चेन्नई नदी पर, यहाँ पर सर हमको एक स्टाफ डे मिला, यानी पानी संग्रह बाक्स, कलवर्ड बाक्स। तो क्या हुआ सर, उसके हम लोग का वर्क कोड की कॉपी मिली, मस्टूल मिले, पैसा खर्च हुआ, यानी उसमें 30-35 लाख, 5 लाख, 5,000 करीब खर्च हुआ है सर उसका। उसके लिए हम लोग आरएस विभाग के पीछे पड़े कि भाई ये पैसा व्यय हुआ है तो स्टाफ डैम कहाँ है सर। हम लोग मांग पूरी नहीं हुई सर, हम लोग ऐसी शिकायत में चलते रहे, आखिर मांग लेप्स हो गई हमारी। अच्छा, लेकिन उस पर कोई जांच पड़ताल अभी तक नहीं हुई सर, जांच पड़ताल अभी तक नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर और बैठे हुए हैं, ये निश्चित रूप से ये यात्री प्रतीक्षालय है, तो आप लोग बस के इंतजार में तो नहीं बैठे होंगे, शाम का समय है इसलिए गांव के लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त तो चल रहा है सब कुछ चुनाव का माहौल, और चुनाव के माहौल में सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं,
सब अपने अपने डिमांड रख रहे हैं, नेता आते हैं मिलते हैं, आप लोगों से भी मिले होंगे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए, सब मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? यह नेता लोग आते हैं अपनी अपनी बात रख करके चले जाते हैं, जनता का किसी किसी का कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता, परेशानी रहती है जनता को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं, पानी की टंकी मतलब हम बनाए, नल जल योजना खुदवा दिए, 5-6 साल हो गया नल जल योजना में, आज तक के मतलब पानी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ की जनता पानी दूसरे गांव जाकर के पानी लेके आती है, दूसरे गांव जाकर पानी लाती है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है पानी की, नल जल का पानी दूसरे गांव से लाना पड़ता है। कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी लोग हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 1200-1300 लोग हैं इस गांव के, जो कि अपने परिवार के लिए बाहर से पानी लाते हैं दूसरे गांव से जाकर। जी पानी की व्यवस्था फिर ऐसी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है? सब मतलब नेता लोग हैं कर देंगे बोलते हैं, हाँ। पर करते नहीं, आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, तो खारा पानी मिलता है यहाँ, अच्छा, कुएं का, अब वो खारा पानी भी यूज किया जाता है, क्या करेंगे अब समय पे? अच्छा, मैग्नीज का इलाका है, इस वजह से भी हो सकता होगा, इस वजह क्या मालूम सर, यहाँ तो ऐसा है, अब उसकी चीज चीज को हम लोग जान नहीं सकते, तो ज्यादा परेशान से, मतलब कहाँ से मीठा पानी कहाँ से आ सकता है? फिर मीठा पानी टटे कसा से ला रहे, तो वहाँ पर क्या सुविधा है? वहाँ मालूम नहीं सर, वहाँ वहाँ का पानी मतलब मीठा और लग रहा है। नहीं, वहाँ क्या सुविधा है जहाँ से पानी लाते हैं? वहाँ हैंडपम्प से लाते, वहाँ से हैंडपम्प से लोग, हाँ लेकर आते हैं। यस सर, हाँ हैंडपम्प से। फिर कैसे क्या सुविधा करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे यहाँ पर पानी आ जाए? यहाँ सुविधा यदि सर स्टाम डैम यदि बन जाएगा तो यहाँ मतलब ये कई बोर में पानी पानी हो जाएगा। स्टाप डैम मतलब, हाँ, कोई नदी है यहाँ पर? नदी है, चेन्नई नदी है सर, हाँ। चेन्नई नदी में, हाँ, स्टाप डैम यदि बन गया, हाँ, तो पानी का भरपूर मतलब रहेगा, और इसमें 3-4 गांव पलेंगे। अच्छा, क्योंकि जमीन मतलब नल जल ऊपर आ जाएगा तो सिंचाई का साधन भी बढ़ जाएगा, और पीने की पानी की भी और समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, वो तो कह रहे थे कि स्टाप डैम बना है, कुछ कह रहे थे स्टाप डैम बना नहीं सब, वो तो कागज में बना है। कागज में बना है? यस सर। अच्छा, कागज में बना है, इसका इसके पेपर, हाँ, हमारे पास में रखे हुए है, हाँ, हमने कई बार मतलब अधिकारी को, हाँ, इसका सूचना दिए कि यहाँ का स्टाप डैम गायब कहाँ से कैसे चले गया, मतलब कागज में चले गया, कागज में बन गया, और स्टाम डैम है नहीं है। हमने केडी भाव से भी हमने बात किए, क्योंकि केडी भाव सांसद थे, उससे भी बात की, हमने बोले कि भाव ये स्टाम डैम कहाँ गया, तो बोले रपा दपा हो गया, बोले मतलब सब खा गए, बोले अब मैं दूसरे से सेक्शन कराओ, 40 लाख बोले दूसरे से सेक्शन करा रहा हूँ बोले। यानी स्टॉप डैम के लिए जो है वहां पर स्वीकृत हुई थी राशि, सारा कुछ तय हो गया, और वो कागज में बन गया, भुगतान हो गए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? यानी सब कुछ हवा हवाई हो गया और बना नहीं कुछ, यानी वो जो सारा पैसा सब मिल बांट कर खा गए, आपका कहना है? इसमें पंचायत से पेपर, इसके डॉक्यूमेंट में निकले मस्टोल, पंचायत सरपंच को हमने बोले कि ये यहाँ का स्टाम्प डैम के तूने पेपर में दस्तखत कैसे कराए हो? इतने बड़े घोटाले की जांच नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई? कोई शिकायत की है सर, पर जांच नहीं हो पाई, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान ही नहीं दे रहे सर अधिकारी लोग, हाँ हाँ, उड़ती उड़ती बात करते। तो इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा क्या है आपके लिए, आपके हिसाब से क्या? भ्रष्टाचार का मुद्दा है सर, मेन मुद्दा यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत बड़ी समस्या, पानी की समस्या, नल जल योजना जो मतलब बनाने मतलब पानी पी नहीं रहे सर, नल जल योजना का। तो ये जय श्री राम का आपने पहन के रखा हुआ है सर, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार है? तो सर हम तो सच्चाई से बोलते हम सर। अच्छा, हाँ नहीं, तो मतलब ऐसे कैसे, यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा आप कह रहे हैं, महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं, जबकि हर महिला को जो है लाडली बहना के रूप में पैसे मिल रहे हैं।
पर बहना को मिल रहे और भटवे को क्यों नहीं मिल रहे सर? परेशानी ये है, भटवे को भी मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि भटवे लोगों को भी मतलब राहत मिलना चाहिए। जब तो बच्चे बीवी बच्चे पालेंगे बच्चों को। अच्छा, आप बहना को देते हैं, बहना अपने मन की लगाती है। मेरे को मेरे मामा मेरे मेरे भाई ने दिया, ऐसी बोलती है, मैं कहाँ से दूंगी। तो बहुत कुछ तो फ्री मिल रहा है। देखिए, महिलाओं को लाडली बहना का पैसा मिल रहा है और जो है चावल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है फ्री में, सब कुछ तो हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा? महंगाई ना सर, देखो सर, तेल दाल 180 रुपए किलो मिल रही है, पेट्रोल के दाम 112 रुपया और डीजल के दाम 100 कुछ रुपया है। ये भाड़ा ज्यादा लगने की वजह से मतलब इनने भाड़ा बढ़ा दिया। हाँ, गैस से खाना बनता है कि चूल्हे लकड़ी से बनता है? लकड़ी से बनता है सब, लकड़ी से बनता है। महंगी हो गई सर। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला था? नहीं सर, हमें मिला नहीं। नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्यों, आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन यहाँ पे नहीं मिला किसी? मिला है, किसी किसी लोगों को मिला है, किसी किसी लोगों को नहीं मिला सर। अच्छा, हाँ, उसमें खाना नहीं बनता? बन रहा है ना, अब भरा के गैस भरा के लाएंगे तो खाना बनेगा सर। अच्छा, अब महंगाई है तो यानी लोग क्या है, लकड़ी से खाना बनाते हैं। अच्छा, ऐसा है तो सर, 450 की गैस मिल रही थी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो भी जो महिला गरीबी रेखा के पात्र में आई थी उन्हीं को उज्ज्वला मिला है, और वो गैस लगभग उस समय 450 में मिल रही थी, आज 1200 में मिल रही है। तो ये बताइए कि गरीब लोग कैसे वो कर ले? ऑलरेडी गरीबों को मिली है, ऑलरेडी गरीबों को मिली तो आज 1200 कहाँ से ला लेंगे वो? फिर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मजदूर पलायन हुए। तो गैस भराने के लिए तो महिलाओं को पैसे दिए है ना लाडली बहना के? कब से दे रहे सर ये बताओ, शिवराज सरकार कब से बनी है? और अभी चुनाव के समय याद आई क्या महिलाओं की? 1000, इसका मतलब वो महिलाओं को क्या है, वो क्या कहते हैं, प्रलोभन दे करके मात्र वोट बटारने की नीति है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद में चुनाव हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगी वो कहानी। अभी जैसे सीएम वाली राशि दिए, कई लोगों को 2 किस्त मिली है, कई को 3, उसके बाद तो बंद ही हो गई है। ये तो नीति है, फिर कहाँ से ये हो जाएगा? महंगाई सबसे ज्यादा आसमान छू चुकी है, चाहे वो किराने से लो या पेट्रोल से लो डीजल से लो, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे लाली बहना वालों को, कई को तो पेमेंट ही नहीं मिला, बोले अपात्र में छे। कई गरीब लोगों का क्या है, नाम तो गरीबी रेखा में है ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। गरीब लोग बेचारे जैसे के वैसे है बेचारे, उनको कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं मिल रही है, उनका गरीबी रेखा में नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो गरीबी रेखा का जो कार्ड बनाते हैं उनकी गलती हुई ना? नहीं, उसमें है गलती तो है, लेकिन उसके एक बार सर्वे कर लिया जाए ना। कुछ अमीर लोगों को प्रावधान दे दिया है, उस समय क्या पंचायत से बना था, तो उसको एक बार सर्वे करा लिया जाए, जो गरीबी में आते हैं उनका कार्ड यथावत रखा जाए। और जो ये है तो इसमें क्या है, शासन का भी घाटा हो रहा है ना सर, अमीरों लोगों को फायदा मिल रहा है ना, शासन का भी घाटा है। और कई जो देखो बना कर रोज खा रहे बेचारे, उनका नाम गरीबी रेखा में नहीं है, कई बुढ़े होने रहे बेचारे, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, गरीबी रेखा में नाम है कहते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी कहते हैं, फिर वो तो गए ना, मारे गए ना बेचारे, उनको सुविधा तो नहीं, उनको सुविधा होना ना कम से कम। एक बार जैसे गरीबी रेखा के कार्ड जो वितरित हुए, एक बार सर्वे कर लिया जाए तो जो पात्र हितग्राही है उनको फायदा मिलेगा, जो पात्र अभी है, जो वैसे पात्र नहीं होना चाहिए वो कट जाए। ये बताइए कि क्या करे सरकार, या कौन से ऐसे वादे करे, कौन सी ऐसी चीज हो जिससे जो है आपको लगता है कि ये सही काम होगा, है ना? कौन पार्टी है जो सही वादे कर रही है आपको लगता है? वैसे सर बीजेपी ने बहुत वो दे दिया है ना, आश्वासन पे आश्वासन दे दिया, कई वादे कर लिए, लेकिन सब बहुत कुछ मेरे को वादे बहुत झूठे लगे, बहुत झूठे हैं वादे, शिवराज जी के वादे बहुत कुछ झूठे हैं। इनने तो बहुत कुछ वादे कर लिया, लेकिन इनके सब वादे बहुत कुछ झूठे पाए गए, जितने वादे किए गए।
अभी तो नई परिवर्तन की लहर अभी है। जो ब्याज माफी किया उसने सोसाइटी का ब्याज माफ किया, कोई दूसरे बैंकों वालों को किसी का तो माफ किया नहीं। अगर ब्याज माफ करना था तो पूरे बैंकों का करना था ना। उसने अब किसान कितने 10% सेवा सहकारी वालों का किया, बाकी बैंकों वालों का तो किसी का ब्याज माफ हुआ ही नहीं। कुछ लोगों को जो चालू करंट वाले थे उनको तो कोई फायदा ही नहीं मिला ना। खेती यहाँ पर होती है? खेती होती है, खेती के भरोसे तो इधर वाले जिंदगी कर रहे हैं सर। फिर पानी की व्यवस्था, सिंचाई की? पानी यहाँ कोई सिंचाई की योजना नहीं इधर। यहाँ पे कुछ खेती होती है बस ऊपर के भरोसे। और कुछ सर राजीव सागर परियोजना से आए, वो भी सर नीचे नीचे चले गए। वो कुछ नीचे आए लेकिन वो लास्ट बॉर्डर कहलाता है, जो केनाल छोटी केनाल जो आती है उसमें आखिर उसमें कभी उधर जब पर्याप्त तो पानी हो जाता है तब इधर मिलता, मिलता है, बाकी तो नहीं आता। जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो मिलता है? वही तो क्या सर, समर्थन मूल्य मिलता है लेकिन 2200 में सर ये बताइए आप एक तुलना कीजिए कि मजदूर का रेट आज 350-400 रुपए रोजी दे रहे, उसके बाद मेडिसिन जो आ रही है धान की वो भी तो इतनी कॉस्टली है कि 7000 रुपये लीटर आ रही है। सर ये बताइए जब अपन केमिकल भी डाल के उसको धान को बचा रहे तो किसान को क्या पूरा रहे? वैसे जो समर्थन मूल्य ये होना था लगभग 3000 रुपये होना था, 2200 में नहीं पूरा था किसान, इसलिए तो भूखमरी है सर किसान, और इसलिए मर रहा है क्योंकि किसान पे कर्ज लाते जा रहे, कर्ज होता जा रहा। भाई खेती तो के बलभर तो रह रहा है, तो भाई साथ देती नहीं, कभी साथ नहीं दिया, कभी अतिवृष्टि से ये हो जाता है, उस कारण से किसान में कर्ज चलते बोझ बनते जा रहा है। कई किसान क्या होता है कि ज्यादा बोझ के तले फिर फांसी वासी लग के मरना पड़ता है। ये तो आसूच कैसी गति आई, आपने किसान सर्वे भी देखा होगा। परा लगाने के बाद में सर वो किसानों ने परा लगा, धूप तप गई, जमीन सूख गई, कचरा हो गया, आखिर में दवा मारे कचरा मारने की धान बैठ गया। आज वो कई किसान अभी फसल नहीं पूरी। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में कहा गया है कि जो वहां पर जो है 2 रुपए किलो जो गोबर खरीद रहे हैं वहां पे जो समर्थन मूल्य है वो 2500 करीब करीब है, तो यहाँ पर भी कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे किए हैं, 5-7 गारंटियां दी है, तो आपको पता है वो कौन सी गारंटी है? कोई जानकारी नहीं, नहीं सर कोई जानकारी नहीं। तो कौन सी पार्टी टक्कर में नजर आती है अभी बीजेपी को? कांग्रेस पार्टी सर, और इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर भी है। वैसे हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टिकट देने में गलती कर दिया कमलनाथ जी ने। अच्छा, क्या है, वैसे केसर भाई को टिकट मिलना था क्योंकि उनने पार्टी को जिंदा भी रखी है और यहाँ स्थानीय के इससे शुरू से वो 15 साल से तत्पर रही है कांग्रेस को संभाल के, और कांग्रेस को जिंदा भी रखी, लेकिन हमारे बोसी भाव बीजेपी से 4 दिन पहले आए, उनको टिकट दे दिया गया, तो हम तो बोसी भाव से नाराज है। अच्छा, क्यों नाराज है? उसके कारण वही है कि आप जिनने कार्य करे, मान लो हमने फसल लगाया और फसल काटने कोई आ जाए तो दुख तो होता है ना। जी जी, तो उसी प्रकार यहाँ की जो मतदाता को दुख तो है कि मिलना था कांग्रेस पार्टी में केसर बिसेन को, लेकिन मिल गया बीजेपी से जो पैराशूट बन के आए बोसी भाव, उनको टिकट दे दिया गया, तो यहाँ के मतदाता वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वोट नहीं, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। बहुत कम मात्रा। केसर भाई अगर मिल, केसर भाई को टिकट मिलती सर 80% कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो आज केसर भाई के साथ है। हर गांव से आप देखिए 80% कार्यकर्ता केसर भाई के साथ है, क्योंकि उनने 15 साल से मेहनत किया, हमारे मतदाताओं के बीच में सुख दुख में साथ रही है। और लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो पहले के मतदाता हैं, पहले से जो उससे जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो पार्टी में कोई भी खड़ा हो वोट करेगा? नहीं सर, 80% मतदाता टूट गया सर भाई से जुड़े सर पुराने, लोकतंत्र में व्यक्तित्व देखेंगे सर, पार्टी नहीं देखेंगे हम। मतलब केसर भाई से जो पुराने कार्यकर्ता है वो जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जो थे हमारे तीनों ब्लॉक जो ये है, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सब केसर भाई के साथ जुड़े, अभी तो नए सर ब्लॉक अध्यक्ष तो चेंज। मतलब अब आप लोगों को लग रहा है कि आपको जो है बीच बाजार में छोड़ दिया गया है, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे सर, छोड़ दिया गया। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका फैसला क्या रहेगा? अभी तो सर देखो हम केसर भाई को सहयोग प्रदान करेंगे, निर्दलीय खड़ी हो रही है, निर्दलीय खड़ी हो रही है। गलती तो सर कमलनाथ जी ने बहुत गलती कर चुका है कि जो कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरित वाली बोले थे, और पैराशूट जब मैं उम्मीदवार को उतारूंगा तो स्थानीय कार्यकर्ता का सहमत मिलेगा तब ही पैराशूट वालों को दूंगा, ये कमलनाथ जी ने कहा था।
और उसके बाद सर सर्वे को भी छोड़ के 20 तारीख को बहुत सी बहुत सदस्य दावा है भाई, सदस्यता ग्रहण की और आपको 7 दिन के भीतर कांग्रेस की वो पार्टी से टिकट मिल गई, तो ये भी तो उचित नहीं ना सर। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ से बोध सिंह जी को वोटिंग नहीं हो पाएगी, निर्दलीय को वोट होगी, और आप कह रहे हैं कि परिवर्तन और सरकार परिवर्तन भी चाहते हैं, तो ऐसे में कैसे संभव होगा परिवर्तन? हमने प्रत्याशी से पूछा सर, निर्दलीय जो प्रत्याशी है केसर जी बिसेन, उनसे हमने यहाँ स्टेज पे सभा में पूछा कि अगर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत के जाएंगे तो आप किस पार्टी को में जुड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि बोले मैं कांग्रेस में ही रहूंगी। और अगर वो बीजेपी में चली गई, आजकल तो कोई कहीं भी जा सकता है, निर्दलीय तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन हमें विश्वास है सर आप सहयोग दे रहे हैं। 16 तारीख को मीटिंग हुई थी हमारी कार्यकर्ता की, क्योंकि अपन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और मैं भी 20 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, BLA हूँ कांग्रेस का भी, तो वर्तमान में यहाँ, लेकिन हमने पूरे लोगों ने पहले वहां मीटिंग में रखी बात और उन्हें भी ये पूछा कि बोले आपका सहयोग होगा तो मैं अगर टिकट न भी मिली तो निर्विरोध लड़ूंगी क्या। लेकिन विधायक तो जब चुन के जाता है और अगर वो निर्दलीय विधायक हो तो उसकी तो कीमत बढ़ जाती है, उसको तो हर कोई अपने हिसाब से जो है नहीं, वो लेकिन सर अभी तो हमारे साथ केसर भाई ने वादा की है कि मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगी, जीतने के बाद अब उसके किस्मत जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है, उसकी करते ही है वादा, बाद में हमको तो मौका मिलेगा कि तुम बीजेपी के साथ गए करके। अच्छा, हम तो सेकंड बार कौन सा योग देंगे सर, फिर दूसरे बार भगत के साथ आके पड़ी है सर। अच्छा, बीजेपी अभी तक ये कांग्रेस को गालियां देते थे, बीजेपी में 2-2 बार ये पद पर रहे, उसके बाद इनने सीट के प्रलोभन में आकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया सर। इनने गौरी बाबू बीजेपी से सर उसको टिकट भी मिल रही थी, लेकिन गौरी बाबू ने उनकी टिकट बीजेपी से कैंसिल कराए लोकसभा में, उसके बाद वो कांग्रेस में ज्वाइन होकर टिकट मांग की है। तो अब बताइए कि अब यहाँ के लोगों का फैसला क्या है? यहाँ की सबसे फैसला यही है कि जो पार्टी मतलब जनता को सहयोग करेगी, जनता किस प्रकार का जो ज्यादा पैसे बांटेगी, नहीं नहीं नहीं, मतलब जो जो मतलब नल जल योजना है और ये पानी की समस्या जो मतलब सुलझाएगी पिलाएगी, उसी को मतलब वोट करेंगे। अच्छा, उसी को वोट। आप बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका आपका मन में नहीं है? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ सर, सब लोग कैसे बताए, तो आपको क्या लगता है केसर भाई? नहीं, सभी तो मतदाताओं का है सर, सब अपने अपने हिसाब से चलता है मतदाता कि किसको चयन करना है किसको नहीं करना है, कौन योग्य उम्मीदवार है कौन नहीं है योग्य उम्मीदवार, वो तो चयन है वो मतदाता ही करेगा खुद, हमारे और आपके बोलने से क्या होगा ये तो। जी जी, नहीं वैसे भी मतदाता तो है वो गुप्त ही होता है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने साफ साफ बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कौन है जो यहाँ की समस्या हल कर सकता? नहीं, इस क्षेत्र में तो सभी योग्य उम्मीदवार लगते हैं, केसर भाई भी योग्य उम्मीदवार है क्योंकि वो भी बहुत सालों से प्रयास कर रही है, भगत जी भी है, जिला पंचायत सदस्य रही है वो भी, भगत जी भी है क्योंकि वो भी पूर्व विधायक सांसद थे, अब गौरव पारदीप जी भी, ये भी युवा है, ये भी पढ़े लिखे है और इन सभी उम्मीदवारों से ज्यादा पढ़े लिखे, बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ ऐसा करूंगा, नहीं ये तमाम लोगों की तमाम बातें चलती है, सब अपनी अपनी बातें चलती है, बोले हम जीत जाए हमको लोग सहयोग करें, बोले मैं इस टाइप से करूंगा, और अब इनका तो निर्दलीय रहने के बाद भी शायद कहीं कहीं बहुत विकास के कार्य रहे इनके, तो अब क्या पब्लिक का मन है कि किस टाइप से क्या करना, वो तो परसों वहां बोल रहे थे कि बोले वो तो सुनो ना से आए हाँ ना, वो तो बहुत सी भगत भी अदर ब्लॉक से आए हैं, ठीक है, तुम्हारे गौरव पर्द भी वाराणसी से आए, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे यहाँ के फिलहाल कार्यकर्ता लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आला कमान से सेंट्रल से जब टिकट वितरण हुई तो मानना पड़ा, अब ये विरोध में थे, विरोध में होने के बाद एक ही मंच पर आ गए जी, विरोध जो करने वाले थे वो एक ही मंच पर आ गए, एक ही साथ में चल रहे रैली में, यानी कांग्रेस और बीजेपी इस समय एक ही है मान के जाए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं सर, जैसे बीजेपी के लोग जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आ गए, नहीं नहीं वो सर सर जैसे अदर ब्लॉक वाले को टिकट यहाँ दे दी गई, स्थानीय को देना था, ये स्थानीय वालों की मांग थी, स्थानीय लोगों की मांग थी कि स्थानीय लोगों को टिकट देना था, अदर वालों को टिकट दे दी, इनमें रोष पैदा हो गया, ये आउट ऑफ चलने लगे, आउट ऑफ चलने के बाद पुनः एक ही मंच पर आ गए कि बोले साथ ही में है, एक दूसरे का प्रचार करना चाहिए, मतलब उस प्रत्याशी का प्रचार करना चालू कर दे, पहले विरोध किए अब सामंजस्य बैठ गया, अब क्या कहोगे, बोले मैं इस टाइप से किया उस टाइप से किया, पब्लिक बोलती है कि ये जब निर्दल मतलब कुछ भी नहीं था, सत्ता में नहीं था, समाज सेवी था, तो ये बोलता है कि
पब्लिक बोलते कि बोले इनने ऐसा काम किया वैसा काम किया, कोरोना में बहुत वो किया, तो बोले ऑक्सीजन का वो प्लांट दिया, तो अरे सारी तमाम बातें अब किसको क्या बोलेंगे जी, है ना। तो कई के कई मत है सर, अब मतदाता ही चयन करेगा कि अपन मतदान किसको करें। जी जी, वो मतदाता के ऊपर है, मतदाता के ऊपर है, मतदाता ही चयन करेगा कि किसको वोट करे। मगर इस जगह के जो है एक, हाँ, यहाँ मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ इतनी खनन संपत्ति उत्पत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई कारखाना खोला नहीं गया है जिससे प्लान करने के लिए बाहर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, कहीं रायपुर जाते हैं, कहीं भिलाई जाते हैं, कहीं जाते हैं। यदि यहाँ खनन संपत्ति उत्पन्न होने के बाद में यदि कारखाना खुल जाता तो पढ़े लिखे जो बच्चे लोग हैं या यही नौकरी करते ताकि यहाँ मतलब परिवार सहित सुख शांति से रहते, लेकिन परिवार फूट फूट गिर जाता है। तो लेकिन किसी भी पार्टी ने रोजगार का वादा तो किया ही नहीं है अपने अपने घोषणा पत्र में, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, तो फिर किस तरह से आप फैसला कर पाएंगे? आप तो रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो रोजगार मिलना चाहिए ना, पढ़े लिखे हम जैसे बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ना तो कांग्रेस कह रही है रोजगार देंगे, आपके 7 गारंटियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं रोजगार की बात नहीं। बिल का वर्क किया है कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट फ्री वाला मामला हो गया, ठीक है वो माफ करना ये करना, लेकिन रोजगार की बात तो कहीं नहीं इसमें। नहीं नहीं, ऐसे इसमें नहीं लिखा है रोजगार वाले, रोजगार वाला मामला तो कहीं नहीं लिखा है। सर जुबानी बोल रहे हैं कि अपन रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे, जी जी, इतना तो भाषण में बोला जा रहा है, लेकिन अपने उसमें कथन में घोषणा पत्र में ऐसा नहीं। और सर कांग्रेस जब जब भी, कांग्रेस की सरकार जब जब भी रही ना सर प्रदेश में और ऊपर भी, तो तब तक तो बेरोजगारों को रोजगार मिले हैं सर। कैसे मिले हैं कि जो शासकीय विभाग थे, शासकीय विभाग ठेके में नहीं थे सर जी। और अब क्या है, ठेके में हो गए, तो जो एक 10 लाख की भी डिग्री करके कोई छात्र आता है सर, तो उसको 200 रुपए में उस ठेकेदार के पास करना होता है जी, जी। ये मजबूरी है सर, बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण ये है कि यहाँ के विभाग जो है ठेके में चले गए। तो स्थितियां ऐसी हैं दर्शकों कि बहुत सारे मुद्दे हैं इस गांव के, बहुत सारी बातें जो हैं वो आ रही हैं निकल के, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मुख्य जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ के जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, जैसे पेयजल की समस्या मुख्य रूप से है, और यहाँ के लोगों के लिए जो रोजगार का मुख्य मुद्दा है। इसके बावजूद ये लोग जो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन यहाँ पे जरूर होगा, कुछ बाहरी प्रत्याशी हैं, कुछ स्थानीय प्रत्याशी हैं, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न देना भी यहाँ के लोगों के लिए एक रोष का कारण बना हुआ है, और बाहरी प्रत्याशी के आने से हालांकि ये बात थोड़ी सी अलग बन रही है, हो सकता है कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत जाए, या हो सकता है कोई और इसके लिए बाजी मार ले जाए, तो ऐसी स्थिति है। हालांकि कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में रोजगार की बात को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, इसके बावजूद यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो रोजगार है। यहाँ के लोगों के का जो मत है वो किसको जाएगा, यहाँ के लोगों का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त इस गांव के लोगों के मन की बात हमने आप तक पहुँचाई। बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त इस गजपुर गाँव से NDN TV के लिए कैमरा पर्सन अंकित सरकार के साथ मैं सुधीर कुमार।